लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी। भूमाफिया के और एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नवाबगंज सीएससी का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने यहां मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उपस्थिति रजिस्टर को चेक किया और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का हाल जाना। नवाबगंज सीएससी में वाटर कूलर खराब होने पर सीएमओ को जमकर फटकार लगाई और कहा कि कब से नहीं आए हो। सीएमओ कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों पर रिपोर्ट तलब भी किया। नवाबगंज सीएससी का निरीक्षण किया, फिर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रख रखाव किया जाए। और जो इनकी दिक्कतें हैं उनको भी हमने सुना है, मरीजों से भी बात की है और कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयाँ अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कानपुर भी पहुंचे, जहां उन्होंने उर्सला अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई की और मरीजों का हालचाल भी जाना। मरीजों से बातचीत भी की और सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। वहीं एक मासूम बच्चे को भर्ती देखकर उन्होंने मानवता की मिसाल भी पेश की। उसके इलाज का खर्चा खुद देने की बात कही। इसके लिए डिप्टी सीएम ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज औचक निरीक्षण करने कानपुर के अस्पताल में क्या मिला था? सर आज हमने कानपुर में निरीक्षण किया, आज अभी कानपुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमने देखा है। मरीज यहां संतुष्ट मिले हैं। जो कमियां थी उपकरण संबंधित उनको हम शीघ्र दुरुस्त कराएंगे और हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े जितने भी साथी हैं, हमारे जो चिकित्सक भाई हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सब लोग बड़ी सेवा कर रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि डॉक्टरों की जो सूची है जिनकी ड्यूटी है वो लगी होना चाहिए इमरजेंसी के गेट पर और दवाइयाँ जो हमारे पास उपलब्ध है वो सूची यहाँ पर रहनी चाहिए। और चिकित्सक भाई इस प्रकार काम कर रहे हैं, लोगों को ठंडा पानी मिले, स्ट्रेचर व्हील चेयर उपलब्ध हो, लोगों को महसूस हो घर में आए हैं। मरीज को भगवान मान करके हम सेवा करेंगे। सर आपकी हमेशा प्राथमिकता हर जगह कि मरीजों को प्रायोरिटी पे इलाज मिले, क्या क्या कहेंगे सर? इधर भी ऐसा ही निर्देश है? ऐसा ही हमने कहा है कि मरीजों को प्रायोरिटी मिले और सबका उच्च स्तरीय इलाज हो, सब लोग संतुष्ट होकर ठीक होकर घर जाए। बच्चे को आपने कहा कि जो इलाज का खर्चा मैं अलग से भी दूंगा, क्या मामला? वो छोटा बच्चा था, मुझे दुख लग गया, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मुझे अंदर से पीड़ा है, उसकी इलाज होना चाहिए। देखा आपने, डिप्टी सीएम जी का साफ कहना और मानना है कि इलाज में किसी तरह कोताही ना हो, उसका यहाँ सख्त निर्देश दिए गए और एक बच्चे का जो भी इलाज खर्चा होगा वो स्वयं उठाएंगे, क्योंकि मानवता भी कोई चीज का ऐसा मानना है। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज 18 कानपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यहां वो मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मर्चेंट चैम्बर की स्थापना के 90 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यहां के उद्यमी काफी उत्साहित हैं। मर्चेंट चैम्बर का भी गौरव है, हमारे कानपुर शहर का भी गौरव है, हमारे प्रदेश का भी गौरव है। ये चैम्बर 90 साल पुराना है। उस समय देश में चैम्बर नहीं हुआ करते थे। ये हमारे जो उस समय 1932 में जिन्होंने जो फाउंडर थे लाला कमलापत सिंघानिया, वो इसकी परमिशन लंदन से जा करके अंग्रेजी सरकार से लेकर के आए थे। तो ये बड़ी मुश्किलों से इसका रिकग्निशन मिला था और आज से 90 साल में हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इस चैम्बर को यहाँ पर ला सके हैं और हमारे बीच में आज हमारे देश के राष्ट्रपति पधार रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है कानपुर में। कानपुर के मर्चेंट चैम्बर के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिस पर वो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पहुँचने वाले हैं। 4 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे सप्तम कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में। आप देख सकते हैं कि मर्चेंट चैम्बर को 90 साल पूरा हो चुका, जिसको लेकर इसे दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया। अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसको कहाँ बैठना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे, क्योंकि मर्चेंट चैम्बर का एक पूरा अपना इतिहास रहा है। लगभग 90 वर्षों की अगर बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
इसके अलावा प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति की पहली राष्ट्रपति थी जो यहाँ आई, उसके बाद अब ये दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। यहाँ के उद्यमी भी अत उत्साहित है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर जगह भारी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति अपने कार्यक्रम में शामिल होंगे। आला अधिकारियों ने रिहर्सल कर सुरक्षा इंतजामों का खाका भी तैयार किया और पुलिस की ब्रीफिंग भी की गई ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। अन्य जिलों से भी भारी तादाद में पुलिस बल को बुलाया गया है जो शहर भर के अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति के दो दिवस दौरे को लेकर पुलिस ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्या आगे इनका प्लान ऑफ एक्शन है, कैसे कैसे होगा, सुझाने के लिए विजय सिंह मीना जी हमारे साथ हैं। सर, राष्ट्रपति दो दिन यहाँ रहने वाले हैं, कैसे रूपरेखा तय हो रही है, कैसे फोर्स का पूरा होता है? देखिए, हमने पूरा फोर्स रूट पे पूरा डिप्लॉयमेंट किया है। रूट में जितने भी डाइवर्जेंस हैं, करीब 76 डाइवर्जेंस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पर पुलिस फोर्स लगा हुआ है। उसके अतिरिक्त जो रूफ टॉप ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और रूट व्यवस्था के लिए 2 SP रैंक के ऑफिसर्स लगाए हुए हैं। साथ ही साथ सर्किट हाउस में हमने इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटी लगाई है, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी मिलने के लिए लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा, फ्रिस्क किया जाएगा और उसके बाद उनको अंदर लिया जाएगा। जो यहाँ पर मर्चेंट चैम्बर में है, यहाँ पर भी इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और सभी जो हमारा फोर्स है, जो भी अंदर लोग आएंगे उनकी फ्रिस्किंग और चेकिंग की जाएगी ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति अंदर ना आ सके। सर, एक चीज़ और, जिस प्रकार से लोगों के मिलने की बात हो रही थी, कितने लोगों को मुलाकात कराई जाएगी और क्या इसके अलावा भी कुछ लोग मिलेंगे उनसे? देखिए, इसमें हम लोगों ने जिन लोगों ने जो मिलना चाहते थे उनकी सूची प्राप्त हुई थी और वो सूची हमने प्रेसिडेंट हाउस भेजी हुई है। जैसे ही वो सूची अप्रूव होगी उसी के अनुसार लोगों को मिलने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को लेकर भी कोई एयरफोर्स स्टेशन पे उनका चेंज ओवर होगा, वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आएंगे और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो वहाँ पर उनकी एक कंटिजेंसी फ्लीट भी बनी हुई है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने राहुल सोनिया को ED नोटिस भेजे जाने को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इन आरोपों को गलत बताया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ा नेता होने का मतलब ये नहीं है कि गड़बड़ी करने पर उसे कानूनी नोटिस नहीं भेजे जाएं। नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस दिया गया है, उसको लेके क्या कहेंगे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को? उसको राजनीति या बदले की भावना से ना देखा जाए। ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। संविधान और कानून के उल्लंघन करने पर की जाने वाली शिकायत की जांच थाना पुलिस करती है, कभी CBCID करती है, कभी EOW करती है, कभी ED करती है, कभी CBI करती है, और तथ्यों पर आधारित एविडेंस जब मिलती है तो सम्मन करती है। तो सोनिया जी को या राहुल जी को सम्मन करने पर देश में बवाल क्यों हो रहा है? क्या संविधान और कानून से ऊपर कोई सेलिब्रिटी होता है क्या? देश के संविधान और कानून ही ये है जिसके नीचे सब कुछ है। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके प्रवक्ता हमला कर रहे हैं, करें PM मोदी जानबूझ के करवा रहे हैं। PM मोदी बदले की भावना से कभी काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अपनी मनसा जाहिर की है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में हमारे यहाँ कहा कि सबको न्याय, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपनी गरिमानों में झांक के देखें कि उस संपूर्ण प्रकरण में वो कहाँ दोषी हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए कि कोई देश का बड़ा नेता है तो उसको सम्मान नहीं होगा। यार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में नकली पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में चोरों का आतंक जारी, एक घर से चोरों ने सोलर प्लेटें चोरी की।
बाराबंकी में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, लड़की की गोली मारकर हत्या, दो घायल। बागपत में पड़ोसी के घर के बाहर धमाका करने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसियों को डराने के लिए किया बम का निर्माण। नोएडा में गुलावली गांव में अथॉरिटी का चला बुलडोजर, 25,000 वर्ग मीटर जमीन कराए कब्जा। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी। मेरठ में शराब के ठेके पर दिन दहाड़े लूट, बदमाशों के करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर हुए हमले को एसपी खिरी ने बताया संदिग्ध, पुलिस पर हर पहलू से पुलिस जांच में जुटी। डीएम झांसी रविंद्र कुमार की बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया विमोचन। लखनऊ में फरियाद लेकर आई छात्रा को कुछ ही मिनटों में जिलाधिकारी ने दिए जॉब, पेश की अनोखी मिसाल। प्रयागराज में खड़ी गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। जौनपुर में आंधी से टेम्पो पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे यात्री, बड़ा हादसा होने से डरा। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध फार्म हाउस जमीन दोष, करीब 17 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा। कानपुर में बिल्डर्स और शराब माफिया के ठिकानों पर रेड, छापेमारी के लिए दिल्ली से पहुंची है टीम। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध अतिक्रमण हटाया गया, उतरोला करने में हुई कार्रवाई। आगरा में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध, दिल्ली गेट क्षेत्र में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहाया। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर भराली और बाराती में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई, उधार के 90,000 रुपए नहीं लौटाने पर पीटा। सरकार के 8 साल पूरा होने पर लखनऊ में बीजेपी का रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने कहा पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया। सिंगर के परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात कर जताया शोक, पुलिस कर रही मौत के मामले में तफ्तीश। अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, लंबे अरसे बाद हुई दोनों नेताओं में मुलाकात, तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। करीब 2.5 घंटे तक हुई आजम अखिलेश में बातचीत, दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस, राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर, पार्टी के चिंतन शिविर में हुई शामिल, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म पृथ्वीराज, सीएम योगी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, पूरी कैबिनेट ने एक साथ देखी फिल्म। योगी कैबिनेट के फिल्म देखने को लेकर अखिलेश यादव ने किया तंज, कहा इतिहास के आटे से नहीं बनती वर्तमान की रोटी, यूपी की हालत देखें योगी कैबिनेट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा औरंगजेब से बेहतर किरदार नहीं मिलेगा दूसरा, अक्षय अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। कानपुर के परौंख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। देहरादून में नित्यानंद हिमालयी रिसर्च सेंटर का सीएम धामी ने किया उद्घाटन, कहा भूगोल सीखने के लिए निकलना पड़ेगा बाहर, जन सहभागिता से बनेगी नीतियां। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल।
ग्रेटर नोएडा तुसियाना गांव में अरबों के घोटाले का मामला, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू साई। बॉलीवुड की दुनिया में किसका है बोलबाला और कौन है ट्रोलर्स के निशाने पर, बॉलीवुड की अपडेटेड खबरों के लिए आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड के सफर पर। केके उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, वही केके जिनकी आवाज देश के हर व्यक्ति के दिल को छूती थी। केके ने अपने करियर में ढेरों गाने गाए और खास बात यह है कि सभी मशहूर भी हुए। उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत जल्दी शोहरत कमाई। हालांकि केके ने हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों से दूर रखा, इसलिए कम ही लोग केके की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। मई 2022, ये वही दिन था जब ईश्वर ने हम सभी से हमारे चहेते सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके को छीन लिया। अभी लोग पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के गम से उबर नहीं पाए थे कि अब केके महज 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मंगलवार को देर रात आई उनके निधन की खबर ने पूरे देश की आंखें नम कर दी। अभी किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब केके हमारे बीच नहीं रहे। केके के यूं अचानक जाने से उनके फैंस और सेलेब्स सदमे में हैं। कल रात से ही लोगों की जुबान पर केके के गाने चढ़े हुए हैं। इस खबर ने ना जाने कितने लोगों का दिल तोड़ा होगा। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अपने कॉन्सर्ट में इतनी जिंदा दिली से परफॉर्मेंस दे रहे केके के वो आखिरी पल थे। वो कहते हैं ना, मरने से कुछ देर पहले इंसान को मौत का अंदाजा लग ही जाता है। शायद कुछ ऐसा ही केके के साथ हुआ था। उन्होंने अपने खूबसूरत गाने हम रहे या ना रहे कल को गाते गाते हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। केके ने अपने करियर में ढेरों गाने गाए और खास बात यह है कि सभी मशहूर भी हुए। उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत जल्दी शोहरत कमाई। हालांकि केके ने हमेशा ही अपनी पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों से दूर रखा, इसलिए कम ही लोग केके की लव स्टोरी के बारे में जानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केके ने अपने बचपन के प्यार ज्योति से शादी की थी। उन्होंने ज्योति का हाथ 7 जन्मों के लिए थामा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब केके बीच राह में ही ज्योति का हाथ छोड़कर चले गए। केके अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। बताते हैं कि केके और ज्योति ने अपनी दोस्ती को साल 1991 में शादी में तब्दील कर लिया था, लेकिन ये सब जितना पढ़ने और सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। शादी से पहले केके को अपने लिए नौकरी भी ढूंढनी पड़ी थी। उस समय कुछ ना मिलने पर उन्होंने सेल्समैन की नौकरी भी की थी, लेकिन 6 महीने में ही वे नौकरी से परेशान हो गए थे। इसके बाद केके मुंबई आ गए और म्यूजिक में हाथ आजमाया और बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गए। फेमस टीवी एक्ट्रेस रिधि डोगरा बीते दिनों अपने एक्स हस्बैंड राकेश बापट की वजह से काफी सुर्खियों में रही थी। रिधि ने अब तक के करियर में कई टीवी शोज अपने हुनर का जलवा दिखाया। हाल ही में रिधि ने फोटोशूट कराया जिसमें वो ऑफ शोल्डर आउटफिट पहने हुए नजर आ रहे हैं। हाँ,
ओगरा की गिनती टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से होती है। भले ही इन दिनों रिद्धि किसी टीवी शो में नजर न आती हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से तापमान जरूर बढ़ाती रहती हैं। हाल ही में रिद्धि ने फोटो शूट कराया है जिसमें वो ऑफ शोल्डर आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं। रिद्धि इस तस्वीर में बेहद ही ग्लैमरस दिखाई दे रही हैं। रिद्धि डोगरा को उनके ग्लैमरस अंदाज के लिए जाना जाता है। हाल ही में जब करण जौहर की पार्टी में रिद्धि पहुंची थी तो सबकी निगाहें उन पर ही टिक गई थी। टीवी सीरियल्स में काम करने वाले कई सेलेब्स ने साथ साथ काम करने के बाद एक दूसरे के साथ शादी रचाई है। इन्हीं सेलेब्स में गिनती होती है रिद्धि डोगरा और राकेश बापट की। दोनों की जोड़ी को टीवी पर दर्शक भी काफी पसंद करते थे। रिद्धि और राकेश की मुलाकात छोटे पर्दे के फेमस शो सीरियल मर्यादा के दौरान हुई थी। इस शो में दोनों ने आदित्य और प्रिया का किरदार निभाया था। इस शो में साथ काम करने से पहले दोनों की मुलाकात यशराज फिल्म्स की एक टीवी सीरीज की शूटिंग के दौरान हुई थी। लेकिन दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हुई। रिद्धि डोगरा टीवी एक्ट्रेस होने के साथ साथ बिग बॉस ओटीटी के पॉपुलर कंटेस्टेंट और एक्टर राकेश बापट की एक्स वाइफ भी हैं। काफी समय एक दूसरे को डेट करने के बाद रिद्धि और राकेश ने शादी की थी। हालांकि उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और शादी के 7 साल बाद दोनों अलग हो गए। अनन्या पांडे अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी में भी अपने लुक से खूब धमाल मचा रहे हैं। अक्सर उनका कोई ना कोई नया लुक फैंस के बीच वायरल होता रहता है और फिर से अनन्या की कुछ फोटोज काफी चर्चा में आ गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे स्टार किड होने के बावजूद आज सिर्फ अपने दम पर इंडस्ट्री में ही नहीं दुनिया भर में एक खास पहचान बना चुकी हैं। अनन्या सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। अक्सर वो फैंस के साथ जुड़ी रहने के लिए अपने नए लुक्स की झलक दिखाती रहती हैं। अब फिर से अनन्या ने अपना लेटेस्ट लुक शेयर किया है। इन फोटोज में अनन्या को नियोन ग्रीन कलर के ट्यूब ड्रेस में देखा जा सकता है। अनन्या ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए बालों को वेवी टच देकर ओपन रखा है। एक्ट्रेस ने ग्लॉसी ड्यूड मेकअप किया है और कैमरे के सामने एक से एक बोल्ड पोज दिए हैं। वायरल फोटोज में अनन्या काफी हॉट दिख रही हैं। अनन्या के इस फोटोशूट पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं। कई मशहूर हस्तियों ने भी अनन्या की तारीफें करते हुए कमेंट किए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो काफी समय से फिल्म लाइगर को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस फिल्म में वो साउथ स्टार विजय देवरकोंडा के साथ दिखेंगी। इसके अलावा वो सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ फिल्म खो गए हम कहां में भी नजर आएंगी। उर्फी जावेद आज एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। उन्होंने एक्टिंग से जितना नाम नहीं कमाया उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय वो अपने फैशन स्टेटमेंट को लेकर रही। जी हाँ, उर्फी अपने फैशनेबल अंदाज के जरिए लोगों को चौंकाने का कोई मौका नहीं गंवाती। गया,
उर्फी जावेद अपने फैशन स्टाइल्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। वो खुद पर नए नए ड्रेस और लुक ट्राई करती रहती हैं। अब उर्फी जावेद ने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसे इंटरनेट का पारा हाई हो गया है। उन्होंने कैमरे के सामने अपना सबसे बोल्ड अवतार दिखाया है। उर्फी जावेद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बीच पर नजर आ रही हैं। दौरान वो ब्लैक कलर की मोनिकिनी में बेहद हॉट लग रही हैं। उन्होंने मोनिकिनी के ऊपर ट्रांसपेरेंट शर्ट पहना है। उर्फी का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उर्फी जावेद मोनिकिनी पहनकर समंदर किनारे मस्ती कर रही हैं और बहुत खुश लग रही हैं। वह कैमरे के सामने बलखाकर चलती दिख रही हैं। उर्फी के इस वीडियो को जमकर लाइक और शेयर किया जा रहा है। हर किसी की नजर उनके हॉट फिगर पर टिक गई है। बता दें कि उर्फी जावेद ने साल 2016 में सोनी टीवी पर प्रकाशित होने वाली टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। तब से अब तक उर्फी कई शोज का हिस्सा रह चुकी है। बॉलीवुड कलाकारों में अधिकतर वही शामिल होते हैं जो गुड लुकिंग होते हैं। आज के समय में सबकी सोच ही बन चुकी है कि जो अधिक खूबसूरत होगा उसे ही टीवी इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड में काम मिल पाएगा। लेकिन आज हम आपको जिस मॉडल के बारे में बताने वाले हैं उन्हें अपनी खूबसूरती के कारण ही काम नहीं मिल पा रहा। मॉडल का कहना है कि उसकी खूबसूरती और हॉटनेस उसके लिए भेदभाव का सबब बन गई। उसके गुड लुक्स के कारण लोग उससे भेदभाव करने लगते हैं और उसको अलग नजर से देखते हैं। ये मॉडल सोशल मीडिया पर जूजू ब्राजल के नाम से जानी जाती हैं। लंदन में रहने वाली जूजू ने बताया कि किस तरह से ज्यादा खूबसूरत होना ही उनके लिए दिक्कत का कारण बन गया। वो कहती है कि सुंदर होने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जूजू का टीवी सीरियल में काम करने का सपना था लेकिन अपने लुक्स के कारण उन्हें काम नहीं मिला। कहा गया कि लोग मुझे रियलिटी शो में नहीं देखना चाहते। जूजू ने यह भी बताया कि उन्हें कई बार अलग तरह की ड्रेस पहनने के कारण लोगों ने धमकाया भी। जूजू ब्राजल के मुताबिक खूबसूरती की वजह से उन्हें मॉडल बनने और इंस्टाग्राम पर 62,000 से ज्यादा फॉलोअर्स बटोरने में मदद जरूर मिली लेकिन काम मिलने में कठिनाई हुई। हालांकि ऐसा किसी मॉडल के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले वेरोनिका राजेक नाम की मॉडल ने भी यही शिकायत की थी। वेरोनिका ने को अपनी सुंदरता के कारण लोगों से इतना ट्रोल होना पड़ा था कि उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने अकाउंट फिर से चालू कर दिया। वेरोनिका राजेक का कहना था कि लोग उनके लुक को रियल नहीं मानते थे। लोगों का कहना था कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है जबकि वेरोनिका ने किसी तरह की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। करीब 2.5 घंटे तक हुई आजम अखिलेश में बातचीत। दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस। राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर, पार्टी के चिंतन शिविर में हुई शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की पूजा। बड़ी तादाद में साधु संत रहे मौजूद। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद बोले सीएम योगी, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर। करीब 500 साल की साधना के बाद सिद्धि तक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण का सीएम योगी ने लिया जायजा। परिसर में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी। संतों ने अंग वस्त्र और पुस्तकें भेंट कर किया सीएम योगी का सम्मान।
गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी, संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी को सम्मान। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग, अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज। सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चार धाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का दो दिवसीय नव संकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगी शिफ्ट करने में लग रहा भारी जैम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्रीकृष्ण जन्म स्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, दो डकैत चढ़े पुलिस के हाथे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम का संचालन जारी, जिला प्रशासन ने किया सील, आगे की कार्रवाई जारी। बस्ती में दो बदमाशों ने कार में सवार 3 लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, 1 की हालत गंभीर। मेरठ में दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 6 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध। सारा अली खान को ट्रैवल करना काफी पसंद है, कभी वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते दिखते हैं तो कभी समंदर में मस्ती करते हुए नजर आते हैं। इस बार फिर से उनके वेकेशंस की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं, देखिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने स्टार किड होते हुए भी सिर्फ अपने दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली है। आज लोग सारा को सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी के अलावा केवल उनके नाम से भी जानते हैं। सारा को लगातार कई फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे हैं, ऐसे में वे देखते ही देखते दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। लोगों को उनकी अदाकारी तो खूब पसंद आती ही है, साथ ही फैंस उनके चुलबुल अंदाज के भी दीवाने हैं। सारा के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। वहीं सारा अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उनकी पोस्ट में अक्सर फैंस को अलग अवतार में देखने के लिए मिलता है। कभी सारा के फोटोशूट्स फैंस को कायल कर देते हैं तो कभी एक्ट्रेस का मस्ती भरा अंदाज लोगों को दीवाना बना जाता है। हालांकि इस बार सारा ने फैंस के साथ अपना बेहद बोल्ड और सिजलिंग लुक शेयर किया है। सारा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देख लोगों के पसीने छूट गए। इसमें उन्हें कलरफुल बिकनी पहने देखा जा सकता है। इस दौरान वे अपनी टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। यहां सारा ने लाइट मेकअप किया है और बालों को ओपन ही रखा है।
फोटो में एक्ट्रेस स्विमिंग पूल में आग लगाती दिखाई दे रही हैं। उनका ये बोल्ड लुक किसी को भी मदहोश कर सकता है। इस लुक में एक्ट्रेस बेहद बोल्ड दिख रही हैं। उनके चाहने वाले सारा की इन अदाओं पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। लोगों ने इस पर जमकर कमेंट भी करना शुरू कर दिया है। सारा की इस तस्वीर से लोगों के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया है। अब उनकी ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सारा के करियर की बात करें तो पिछली बार उन्हें अक्षय कुमार और धनुष के साथ फिल्म अतरंगी रे में देखा गया था। फिलहाल वे लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बन रही अनटाइटल फिल्म को लेकर चर्चा के विषय में बनी है। हालांकि अभी इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। जानवी कपूर भी अक्सर अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी हैं जिसे देखने के बाद फैंस के पसीने छूट गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। अक्सर इंस्टाग्राम पर जाह्नवी का नया और सीजलिंग अवतार देखने को मिलता रहता है। ऐसे में फैंस को भी उनके नए फोटोशूट का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब फिर से जाह्नवी ने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर किया है। इन फोटोज में एक्ट्रेस को लाइट ब्लू शेड का डीप नेक क्रॉप टॉप और डेनिम जींस पहने देखा जा रहा है। इस फोटोज में जाह्नवी किसी बेहद खूबसूरत से गार्डन में नजर आ रही हैं। जाह्नवी ने यहाँ न्यूड मेकअप से अपने इस सिंपल लुक को कंप्लीट किया है। इसके साथ बालों को बेबी टच देकर ओपन रखा है। इस सिंपल और कैजुअल लुक में जाह्नवी काफी अट्रैक्टिव लग रही है। इन फोटोज को देख कर कह सकते हैं कि वह काफी मस्ती के मूड में है। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर कई फिल्मों में नजर आने वाली हैं। वो मिस्टर एंड मिसेज माही में नजर आने वाली हैं, जिनमें उनके अपोजिट राजकुमार राव रहेंगे। 2023 में उनकी फिल्म बवाल भी आएगी। इसी की शूटिंग के लिए वो यूरोप गई हैं। फिल्म में उनके साथ वरुण धवन भी होंगे और नितेश कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। अगली फिल्म गुड लक जैरी होगी और चौथी फिल्म बॉम्बे गर्ल होगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग। अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज। सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चारधाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का दो दिवसीय नव संकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगी शिफ्ट करने में लग रहा भारी जाम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्री कृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, दो डकैत चढ़े पुलिस के हाथे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद।
बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम का संचालन जारी, जिला प्रशासन ने किया सील, आगे की कार्रवाई जारी। बस्ती में दो बदमाशों ने कार में सवार तीन लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फायरिंग में दो लोगों को लगी गोली, एक की हालत गंभीर। मेरठ में दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 6 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध में धरने पर बैठे। अम्बेडकर नगर में बस यात्रियों की जान से खिलवाड़, सड़क पर दौड़ रही 22 खटारा बस। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बरेली में डायल 112 पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर कब्जा। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में नकली पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में चोरों का आतंक जारी, एक घर से चोरों ने सोलर प्लेटें चोरी की। बाराबंकी में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, लड़की की गोली मारकर हत्या, दो घायल। बागपत में पड़ोसी के घर के बाहर धमाका करने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसियों को डराने के लिए किया बम का निर्माण। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म पृथ्वीराज, सीएम योगी ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा इससे समाज को प्रेरणा मिलेगी, पूरी कैबिनेट ने एक साथ देखी फिल्म। योगी कैबिनेट के फिल्म देखने को लेकर अखिलेश यादव ने किया तंज, कहा इतिहास के आटे से नहीं बनती वर्तमान की रोटी, यूपी की हालत देखे योगी कैबिनेट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा औरंगजेब से बेहतर किरदार नहीं मिलेगा दूसरा, अक्षय अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। कल कानपुर के परौख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव में अरबों के घोटाले का मामला, सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, एक युवक ने विधानसभा के सामने खुदकुशी करने की कोशिश की है, जितेंद्र पाठक नाम के युवक के बारे में जानकारी सामने आई है, स्कूटी पर सवार था और उसने आग लगा ली, पुलिस ने जितेंद्र पाठक को बचा लिया लेकिन उसकी स्कूटी पूरी तरीके से जल गई। जानकारी के मुताबिक युवक गोल्फ सिटी थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर नाराज था, पुलिस अब सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तस्वीरें आप विधानसभा के ठीक सामने के देख रहे हैं, जहां पर एक शख्स जिसका नाम जितेंद्र पाठक है अपनी स्कूटी पर सवार होकर आता है और यहां पर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उस युवक को तो बचा लिया, स्कूटी से उतार लिया, लेकिन उसकी स्कूटी पूरी तरीके से जल गई है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
ये युवक गोल्फ सिटी थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर नाराज था और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए विधानसभा के सामने उसने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया है और उसकी स्कूटी पूरी तरीके से जल गई है। लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी इस घटना के बारे में? ऋषभ, आपको आवाज मिल पा रही है? ऋषभ से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। राजधानी लखनऊ की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर इस युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। ये तस्वीरें देखिए आप, उसकी स्कूटी पूरी तरीके से जल गई है। मौके पर दमकल की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया, युवक को सकुशल बचा लिया गया है। पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस युवक का नाम जितेंद्र पाठक है। थाने में दर्ज केस से ये नाराज था, लिहाजा विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर पहुंचा था। ऋषभ से हमारा संपर्क हो गया है। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां पर इस युवक ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसके खिलाफ थाने में कोई मुकदमा दर्ज था और इस बात से ये नाराज था, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए विधानसभा के सामने पहुंचा। वहां पर इसने अपनी स्कूटी में आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवक को तो बचा लिया, लेकिन उसकी स्कूटी पूरी तरीके से जल गई है। ऋषभ से हमारा संपर्क हो गया, एक बार फिर से चलते हैं उनके पास। ऋषभ, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? हमें देखिए, पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ी घटना टल गई है। जितेंद्र पाठक विधानसभा के सामने पहुंचा था, इसके खिलाफ सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एक मुकदमा दर्ज था और इसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का है, अपनी स्कूटी के ऊपर भी पेट्रोल गिर गया था, इसने आग लगाई। उसी बीच पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, जितेंद्र को तो बचा लेती है, उसके ऊपर सिर्फ पेट्रोल उसके शरीर पर पड़ा था, आग नहीं लग पाई थी, लेकिन आग उसकी स्कूटी में लग जाती है, लिहाजा वो स्कूटी कुछ देर में जलकर खाक हो जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती है, उसको काबू करती है और जितेंद्र पाठक के फिलहाल आग के चपेट में नहीं आया तो वो खतरे से पूरी तरह से बाहर है, सिविल अस्पताल में है। और बताया जा रहा है जो पुलिस ने उससे शुरुआती पूछताछ की है उसके मुताबिक इसके खिलाफ कोई सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज है, जिसको लेकर पुलिस की भूमिका से वो नाराज था और इसकी नाराजगी में उसने कदम उठाया था। हमें बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। विधान परिषद चुनाव पर मंथन जारी है, बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक का हिस्सा हैं। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, विधान परिषद चुनाव पर मंथन किया जा रहा है, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक इस वक्त जारी है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, साथ ही साथ स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक का हिस्सा हैं। दोनों डिप्टी सीएम यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है, विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर उस पर इस वक्त चर्चा चल रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक में तमाम पहलुओं पर बातचीत की जा रही है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास इस बैठक से संबंधित? देखिए, मेंसी चुनाव को लेकर के जो नाम है उनको लेकर मंथन किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर और कोर ग्रुप की बैठक है। कुछ कोर ग्रुप में खास तौर पर वही चेहरे होंगे जो सरकार संगठन से जुड़े हुए हैं और इसके पहले कोर टीम में रह चुके हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और दोनों डिप्टी सीएम की इसमें मौजूदगी है। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि जून के महीने में ही एमएलसी के चुनाव में कुछ सीटें खाली हो रही है, उसको लेकर के जो संभावित नाम है उनको लेकर मंथन किया जा रहा है। हालांकि ये जो बैठक है उसको शुरू हुए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है और चूंकि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए आज शाम को 7 बजे से डिनर का भी कार्यक्रम रखा गया है, लिहाजा इसलिए ग्रुप की बैठक को थोड़ा प्रीपोन किया गया, थोड़ा पहले कर लिया गया और अभी ये बैठक लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ देर के बाद जो संभावित नाम है शायद वो भी बाहर आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
ग्रेटर नोएडा के तुसियाना में अरबों का घोटाला उजागर होने के बाद अथॉरिटी ने एक्शन लिया और बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटा दिया। जमीन माफिया की काली करतूत उजागर होने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अवैध तरीके से बनाई जा रही कॉलोनियों को हटाने के लिए कड़ा कदम उठाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अधिकारी मौके पर पहुंचे और बुलडोजर चलाया गया। तुसियाना गांव में जमीन माफिया ने पहले जमीन हड़पी और अथॉरिटी से 100 करोड़ रुपए का मुआवजा भी ले लिया। बाद में उसी जमीन पर अवैध कॉलोनी भी बना डाली। तुसियाना गांव में सरकारी जमीन का एक तो फर्जीवाड़ा करते हुए करीब करीब 100 करोड़ रुपए मुआवजा उठा लिया गया और मुआवजा उठाने के बाद उन्हीं किसानों के थ्रू भोले भाले लोगों पर को ये कॉलोनियां बेच दी गई, यहां पर अवैध रूप से काटी गई। अब जब उत्तर प्रदेश शासन ने इस पर सख्ती दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया, एसआईटी के गठन के बाद उन्हें 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी है और आज ग्रेटर नोएडा की तरफ से ही ये तुसियाना गांव में कार्रवाई की गई। फिलहाल तुसियाना जमीन घोटाले की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस पूरे घोटाले में कई अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर में पुलिस ने महिला तस्कर की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के एक्शन की तस्वीरें सामने आई। महिला तस्कर और उसके दोनों बेटे 1.5 महीने से जेल में बंद हैं। सीमा पांडे उर्फ भाभी पिछले 20 सालों से इस इलाके में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि वो हर बार पुलिस को चकमा देकर बच निकलती थी, लेकिन 19 अप्रैल को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और मुनादी करके संपत्ति कुर्क की गई। सीमा पांडे के द्वारा अवैध नशीली दवाइयां, ड्रग्स, स्मैक को बेचकर अवैध रूप से धन कमाकर जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित की है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा उन सभी संपत्तियों को अंतर्गत धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर दिया गया। 2 हफ्ता पहले ही पुलिस ने सीमा पांडे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। सीमा पर एनडीपीएस के तहत 5 मुकदमे दर्ज हैं। इधर मेरठ में पुलिस ने चोरी की गाड़ियों का सिंडिकेट चलाने वाले गैंगस्टर शान मोहम्मद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। लिसाड़ी गेट इलाके के समर गार्डन में बने आलीशान घर को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस घर को कुर्क किया गया है उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। शानू का घर है जो यहाँ का कुख्यात है और जो शाकिब गैंग का सदस्य है। शानू पर 5 मुकदमे दर्ज है जिसकी विवेचना प्रतापपुर से की जा रही थी और आज उसी मामले में कुर्की की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शानू का घर है जिसको पुलिस ने अब कुर्क कर लिया है। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर अपना ताला जड़ देगी जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शान मोहम्मद कुख्यात शाकिब उर्फ गद्दू गैंग का सदस्य है और सोती गन से उसके तार जुड़े हुए हैं। जो कार्रवाई हो रही है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। ये शान मोहम्मद सन ऑफ मंगत खान की संपत्ति का 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण किया जा रहा है। ये शाकिब उर्फ गद्दू के गैंग का एक सदस्य है जो कि सोतीगंज में चोरी वाहनों को चोरी करना एवं चोरी के वाहनों को काटना बेचना इसका काम करता था। एक सक्रिय सदस्य था इसका शाकिब गैंग का और उसी पे ये कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी के रिटायर्ड अधिकारी से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में पुलिस ने 10 महिलाओं समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा में एनटीपीसी के रिटायर्ड जनरल मैनेजर से 1,62,00,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक गैंग गाजियाबाद से चल रहा था जिसका मास्टरमाइंड सोनू था। उस 26 लाख रुपए को वापस कराने के नाम पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन लोगों ने लगभग 1,62,00,000 रुपए उनसे 1-1 लाख 2-2 लाख करके ले लिए थे। अभी हम लोगों ने इन लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो किंग पिन है सोनू कुमार ये भी अंडर अरेस्ट है और ये बेसिकली चला रहा था। पुलिस के मुताबिक एक पॉलिसी से जुड़ी रकम वापस दिलाने के नाम पर रिटायर्ड अधिकारी से ठगी की गई। आरोपियों ने फर्जी कंपनी बनाई और अधिकारी से लगातार रुपए ऐंठते रहे। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कैश बरामद किया गया है। 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से 10 महिलाएं हैं, उनका भी रोल है, उनकी भी अरेस्टिंग हुई है और उनके रोल्स को भी देखा गया है। सभी लोग मिलकर के इस काम को कर रहे थे, सबको जानकारी थी। हम लोगों ने इनके कब्जे से मोबाइल्स, लैपटॉप और लगभग 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में जिला अस्पताल समेत दो सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया और खामियां मिलने पर सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई। नवाबगंज सीएससी पहुंचे डिप्टी सीएम को कई तरह की बद इंतजामी मिली। यहां वाटर कूलर खराब था, इसके बारे में सही जवाब नहीं मिलने पर सीएमओ को फटकार लगाई गई। साथ ही सभी अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया गया। अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयां उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयां अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो, चिकित्सक समय से बैठे। सीएससी के बाद डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अलग अलग वार्ड में जाकर लोगों से बातचीत की। अस्पताल में कई जगहों पर गंदगी देखने पर ब्रजेश पाठक नाराज हो गए और हालात जल्द ही सुधारने का आदेश दिया। में पहले नवाबगंज सीएससी का निरीक्षण किया, फिर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। उत्तर प्रदेश में फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री कर दी गई है। लखनऊ के लोकभवन में फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। लोकभवन के ऑडिटोरियम में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जहां सीएम योगी और सरकार के मंत्रियों ने फिल्म देखी। यहां पर हमारे बीच में आएगी उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसको टैक्स फ्री करने के लिए इस मौके पर फिल्म के हीरो अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और डायरेक्टर भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। योगी कैबिनेट ने सम्राट पृथ्वीराज देखी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। अखिलेश यादव के ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और अखिलेश की सोच पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव जी से शायद मैं समझता हूँ देश प्रदेश की जो अपेक्षा है उसके अनुरूप उनका कोई कार्य, उनका कोई व्यवहार और कोई उनका विचार नहीं आता है, और ऐसे विषय पर अगर इस प्रकार का उनका ट्वीट आता है तो मैं समझता हूं कि उनसे लोगों की अपेक्षाएं बदल गई। पहले वो सोचते थे कि शायद अखिलेश जी कुछ अच्छे होंगे, लेकिन उनके विचार भी अच्छे नहीं है। फिल्म पर चल रही सियासत के बीच मौलाना तौकीर रजा ने औरंगजेब की तारीफ कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। ज्ञानवापी सर्वे की वीडियो सार्वजनिक होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 4 जून को ज्ञानवापी परिसर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा करने का ऐलान कर दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का आदेश दिया है, लिहाजा उनके आदेश का पालन करते हुए शनिवार को ज्ञानवापी जाकर वहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाएगा। पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरम्भ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। ज्ञानवापी का मामला फिलहाल कोर्ट में है और अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है, लेकिन उससे पहले ही संतों की ओर से किए गए ऐलान के बाद प्रशासन के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे हैं कुछ और खबरों के साथ। जौनपुर में आंधी से टेम्पो पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे यात्री, बड़ा हादसा होने से डरा।
नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध फार्म हाउस जमीन दोष, करीब 17 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा। कानपुर में बिल्डर्स और शराब माफिया के ठिकानों पर रेड, छापेमारी के लिए दिल्ली से पहुंची है टीम। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध अतिक्रमण हटाया गया, उतरोला करने में हुई कार्रवाई। आगरा में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध, दिल्ली गेट क्षेत्र में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहाया। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर घराली और बाराती में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई, उधार के 90,000 रुपए नहीं लौटाने पर पीटा। सरकार के 8 साल पूरा होने पर लखनऊ में बीजेपी का रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने कहा पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया। सिंगर के परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात कर जताया शोक, पुलिस कर रही मौत के मामले में तफ्तीश। अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, लंबे अरसे बाद हुई दोनों नेताओं में मुलाकात, तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती। करीब 2.5 घंटे तक हुई आजम अखिलेश में बातचीत, दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस, राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर, पार्टी के चिंतन शिविर में हुई शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की पूजा, बड़ी तादाद में साधु संत रहे मौजूद। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद बोले सीएम योगी, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर, करीब 500 साल की साधना के बाद सिद्धि तक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण का सीएम योगी ने लिया जायजा, परिसर में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी, संतों ने अंग वस्त्र और पुस्तकें भेंट कर किया सीएम योगी का सम्मान। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी, संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी को सम्मान। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग, अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज। सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चारधाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राजधानी लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। पीएम मोदी शुक्रवार को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी में 80,000 करोड़ रुपए निवेश आने की संभावना है। तो जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी और पानी चाहिए, नदियां हैं हमारे पास, जमीन है हमारे पास, अच्छा कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, तो आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। और मुझे खुशी है कि देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने किसी को छोड़ा नहीं है।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद यूपी में करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि इससे राज्य के विकास को भी रफ्तार मिलेगी। कानपुर में तैनात सिपाही की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया गया। मृतक सिपाही फिरोजाबाद का रहने वाला था और वो एक सिपाही के साथ बिल्हौर के ब्रह्मनगर मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहा था। 22 अप्रैल को उसकी शादी हुई थी। सिपाही की हत्या की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जांच में फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। ये किराए के मकान पे रहता था, थाना के कस्बे पर, और ये इसकी रात में किसी व्यक्ति ने धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी है। इसमें फॉरेंसिक टीम हमारी सभी टीमें आ गई हैं, वो जांच कर रही है और इस केस वर्कआउट करने के लिए हमने 6 टीम लगाई हैं और जल्दी ही केस वर्कआउट कर लिया जाएगा। वारदात के खुलासे के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। और एक बड़ी खबर हापुड़ से आ रही, जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, व्यापारियों के मिल और घर पर भी छापेमारी हुई है। रविंद्र ब्रांड की ऑयल मिल पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी की खबर सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको हापुड़ से बता रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी छापेमारी को अंजाम दिया है। तेल व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, व्यापारियों के मिल और घर पर भी छापेमारी हुई है। रविंद्र ब्रांड की ऑयल मिल पर छापेमारी की खबर सामने आई है। एक जानकारी ये भी है कि इनकम टैक्स कमिश्नर के नेतृत्व में छापेमारी की यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी हम आपको हापुड़ की दिखा रहे हैं, जहां पर इनकम टैक्स चोरी की सूचना पर यह बड़ी छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि तेल व्यापारी के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। उधर जालौन में सट्टा माफिया पर बड़ा एक्शन हुआ है। गैंगस्टर रामकरण की 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बैंक अकाउंट के 36 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए हैं। 4 ट्रक, 1 कार, 1 मकान, खाली प्लॉट जब्त किया गया है। सट्टा माफिया पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है। उरई कोतवाली के गांधीनगर का यह मामला है, जहां पर यह एक्शन लिया गया है। सट्टा माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया। और एक बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही है, जहां पर सेप्टिक टैंक में 3 लोग फंस गए हैं। सफाई करने के लिए टैंक में उतरे थे 3 लोग। काफी देर से इनकी तलाश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। पडरौना नगर के आवास विकास का मामला है, जहां पर सेप्टिक टैंक में 3 लोग उतरे थे सफाई करने के लिए। इसी दौरान वो अंदर फंस गए, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया है। कोशिश की जा रही है कि 3 को बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये 3 लोग सफाई करने के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे थे और जब बाहर नहीं निकले तो फौरन फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई, उधार के 90,000 रुपए नहीं लौटाने पर पीटा। सरकार के 8 साल पूरा होने पर लखनऊ में बीजेपी का रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया। सिंगर के परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात कर जताया शोक। पुलिस कर रही मौत के मामले में तफ्तीश। अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव। लंबे अरसे बाद हुई दोनों नेताओं में मुलाकात। तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती।
करीब ढाई घंटे तक हुई आजम अखिलेश में बातचीत, दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस, राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर, पार्टी के चिंतन शिविर में हुई शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की पूजा, बड़ी तादाद में साधु संत रहे मौजूद। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद बोले सीएम योगी, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर, करीब 500 साल की साधना के बाद सिद्धि तक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण का सीएम योगी ने लिया जायजा, परिसर में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी, संतों ने अंग वस्त्र और पुस्तकें भेंट कर किया सीएम योगी का सम्मान। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी, संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी को सम्मान। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग, अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज। सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चार धाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगी शिफ्ट करने में लग रहा भारी जैम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइप लाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, 2 डकैत चढ़े पुलिस के हाथे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म पृथ्वीराज, सीएम योगी के साथ पूरी कैबिनेट ने एक साथ देखी फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने की जमकर तारीफ, फिल्म को बताया इतिहास से जुड़ा हुआ। योगी कैबिनेट के फिल्म देखने के बाद अखिलेश यादव का ट्वीट, बीजेपी सरकार पर कसा तंज, लिखा इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती, वर्तमान हालत उत्तर प्रदेश का भी देखी सरकार। बरेली में मौलाना तौकीर रजा का बयान, कहा औरंगजेब से बेहतर किरदार नहीं मिलेगा। दूसरा, अक्षय अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं बयानबाजी। जालौन सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का ओवैसी पर विवादित बयान, कहा ओवैसी ने मुगलों की तलवार की धार के कारण पहनी सलवार, अब वापस हिंदू धर्म में आए। सीएम योगी ने गोरखपुर के कलाकारों को दिया बड़ा तोहफा, ऑडिटोरियम के में किराए में की कमी। लखनऊ में कल होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा सेरेमनी और निवेशकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रपति कोविंद के 2 दिवसीय कानपुर दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी, रिहर्सल कर सुरक्षा व्यवस्था का खींचा गया खाका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर सर्किट हाउस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बंदरों के आतंक से निपटने के लिए 20 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की लगाई गई ड्यूटी।
ज्ञानवापी में शिवलिंग का मामला, जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों को पूजन का दिया निर्देश, 4 जून को अभिषेक करने का किया ऐलान। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, बीजेपी में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सोनिया कोरोना पॉजिटिव। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने दाखिल किया नामांकन, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर किए ताबड़तोड़ हमले। उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नवाबगंज सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, मरीजों और उनके तीमारदारों से बात करने के साथ हाजिरी रजिस्टर भी किया चेक। गाजियाबाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में 38वीं 2 दिवसीय राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी का शुभारंभ, नित्यानंद राय ने कहा ई पुलिसिंग के जरिए पुलिसिंग को बना सकते हैं और बेहतर। लखनऊ में विधानसभा के सामने एक युवक ने अपनी स्कूटी में लगाई आग, युवक को पूछताछ के लिए ले गई हजरतगंज पुलिस। कानपुर में चलती स्कूटी में आग लगने से मचा हड़कंप, रेल बाजार थाना के शांति नगर रेलवे क्रॉसिंग की घटना। गाजियाबाद के लोनी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हटाया गया अतिक्रमण, बुलडोजर से सड़क किनारे बने मकान और दुकान तोड़े गए। देवरिया में प्रेम प्रसंग और अवैध संबंध के चलते युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक की पत्नी और साली समेत 4 गिरफ्तार। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बाल काटने को लेकर विवाद में नाई ने ग्राहक पर कैंची से किया वार, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। बदायूं के चंदौरा गांव में एक युवती ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने दरोगा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मिर्जापुर पुलिस ने 79 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार, ओडिशा से बिहार सप्लाई करने जा रहे थे गांजा। बागपत की बड़ौत कोतवाली में वर्दी में पहुंचे आर्मी के जवान ने पुलिस से लगाई अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार, भूमाफियाओं पर धोखा देकर बैनामा कराने का लगाया। शासन के आदेश को लेकर गंभीर नहीं अंबेडकर नगर का स्वास्थ्य विभाग, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार के मामले की अब तक शुरू नहीं हुई जांच। बाराबंकी के किसान मोइनुद्दीन ने फूलों की खेती शुरू की, सैकड़ों किसानों की बदली तकदीर, पॉली हाउस में जरबेरा के फूलों की खेती से 70 से 75 लाख के पास पहुंचा सालाना टर्नओवर। फिल्म सम्राट नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इन चर्चाओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार और स्टार कास्ट के साथ बुधवार को फिल्म देखी। 13 साल बाद अमित शाह फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद अमित शाह ने बताया कि आखिर में फिल्म क्यों देखनी चाहिए। अमित शाह ने फिल्म की तारीफ भी की और कहा 2014 से शुरू हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन्होंने चर्चा भी की। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं योग्यता से चुना जाता है, शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर लड़े। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई, ना वे सपने सलामत रहेंगे ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में अमित शाह ने क्या देखा? मर्यादा के
चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। फिल्म देखने के बाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जिक्र क्यों किया? पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की जो है, जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े, ये 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा। 14 के बाद से इतिहास के उन पात्रों पर चर्चा हो रही है जिनकी आजादी के बाद से उपेक्षा की जा रही थी। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है? मैं आई वुड लाइक टू अपील टू द एजुकेशन मिनिस्टर एंड अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ टू लुक इनटू दिस मैटर एंड सी इट इफ वी कैन चेंज इट, वी कैन बैलेंस इट। आई एम नॉट सेइंग वी शुड नॉट नो अबाउट मुगल्स, बट बैलेंस इट आउट, नो अबाउट आवर किंग्स ऑल्सो, दे वर ग्रेट टू। भारत के इतिहास को बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा भी है, महसूस भी किया है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी लंबी लड़ाई का एक पड़ाव था जो लगभग 25 सितंबर 1025 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक चली। अमित शाह ने हिंदुस्तान पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान को याद किया और कहा, जब जब बाहरी हमले हुए हिंदुस्तान की माटी से वीर पैदा हुए और उनका मुकाबला किया। अनेक विद आक्रांताओं ने हमारे मान बिंदुओं की, हमारी सीमाओं की, हमारी संस्कृति पर आक्रमण भी किया, कई बार परास्त भी हुए, परंतु इसके सामने की लड़ाई हिंदुस्तान की धरती ने कभी खत्म नहीं की। कभी कोई पृथ्वीराज बनकर लड़ा, कहीं कोई भीमदेव बनकर लड़ा, कोई सिंध के राजा दाहिर बनकर लड़ा, कोई कश्मीर के अनंतपाल। उस कालखंड के शस्त्र परिवेश, सेनाओं के कुटीर से लेकर सेनाओं के रख रखाव की स्थिति, सभी उस समय का फिर से पुनर्जीवित हुआ है। आर्ट डायरेक्टर को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अमित शाह ने कहा कि इस फिल्म को सिर्फ देखिए मत, बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस भी कीजिए। अमित शाह ने हिंदुस्तान के गौरव को प्यार करने वालों से फिल्म देखने की अपील भी की। पूरे देश भर के अंदर फिर से एक बार आत्मगौरव गवर्नमेंट की बात करने वालों ने पृथ्वीराज जरूर देखना। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान देखी। फिल्म देखने के बाद ना सिर्फ फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया, बल्कि लोगों से भारत की गौरव गाथाओं के बारे में भी पढ़ने और देखने की अपील की। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। और ये फिल्म बहुत कुछ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जब फिल्म के बारे में बता रहे थे तो पास में ही अभिनेता अक्षय कुमार भी खड़े थे। फिल्म की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने भी कहा कि ये पुरानी गलतियों को सही करने का वक्त है।
और अतीत की कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन गलतियों का परिमार्जन लगातार 75 वर्षों से हम करते हुए अब आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आए हैं। लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, जिसमें सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। सीएम योगी के पास में ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठे थे और दूसरी तरफ अभिनेता अक्षय कुमार, फिल्म डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और फिल्म की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी थी। फिल्म देखने के बाद कैबिनेट के सदस्यों ने इसकी तारीफ की और निर्माताओं को सम्राट पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित इस फिल्म को बनाने के लिए धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया और कहा ये वक्त अवलोकन का है। मित्रों, 75 वर्ष का एक कालखंड हम सब के लिए चिंतन का कालखंड है, आत्मावलोकन का कालखंड है और आगामी 25 वर्ष के अमृत काल का जो आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इन 25 वर्षों में हमें भारत को कहां लेके जाना है, इस पर अभी से कार्य योजना बनाकर के उसे लागू करने का एक प्रयास हम सबके स्तर पर होना चाहिए। सीएम योगी ने भी लोगों से फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखने की अपील की और फिल्म बनाने वालों की तारीफ की। ना वे सपने सलामत रहेंगे ना वे आंखें, शक्तिपात चमके जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगी शिफ्ट करने में लग रहा भारी जाम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, 2 डकैत चढ़े पुलिस के हाथे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम का संचालन जारी, जिला प्रशासन ने किया सील, आगे की कार्रवाई जारी। बस्ती में 2 बदमाशों ने कार में सवार 3 लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, 1 की हालत गंभीर। मेरठ में दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 6 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध में धरने पर बैठे। अम्बेडकर नगर में बस यात्रियों की जान से खिलवाड़, सड़क पर दौड़ रही 22 खटारा बस। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बरेली में डायल 112 पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर कब्जा। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में रख ली
पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में चोरों का आतंक जारी, एक घर से चोरों ने सोलर प्लेटें चोरी की। बाराबंकी में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, लड़की की गोली मारकर हत्या, दो घायल। बागपत में पड़ोसी के घर के बाहर धमाका करने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसियों को डराने के लिए किया बम का निर्माण। नोएडा में गुलावली गांव में अथॉरिटी का चला बुलडोजर, 25,000 वर्ग मीटर जमीन कराई कब्जा। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी के धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर आ रही है, जहां पर एक और टारगेट किलिंग में घाटी में रहने वाले हिंदू दहशत में हैं। आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है, जिसके बाद से टारगेट किलिंग के विरोध में कश्मीरी हिंदू सड़कों पर निकले हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग हमेशा कैंडल मार्च करते थे, आतंकियों पर कार्रवाई के खिलाफ बोलते थे, वो आज चुप क्यों हैं? दहशत में जम्मू कश्मीर के हिंदू, बंद करो जिस कश्मीर को खून से सींचा। एक महीने में 8 हिंदुओं का कत्ल, आतंकियों ने पहचान कर एक के बाद एक 8 हिंदुओं की हत्या कर दी। पाकिस्तान है, है, पाकिस्तान है। गुरुवार सुबह आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या की और फरार हो गए। कुलगाम के मोहनपोरा इलाके में देहाती बैंक में विजय कुमार तैनात थे। सुबह के वक्त वो बैंक पहुंचे थे, तभी एक आतंकी बैंक में पहुंचा और अंधाधुंध गोलियां चला दी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि आतंकी गोली चलाने से पहले बैंक के अंदर के हालात को समझ रहा है। मौके का मुआयना करने के बाद वो बाहर चला गया और फिर हाथ में गन लेकर अंदर दाखिल हुआ और राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पूरे देश में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या का मुद्दा फिर गर्म हो गया है, क्योंकि ये हत्या एक महीने के अंदर 8वीं थी। जब धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, भाईचारा और विकास कार्यों में अधिक तेजी और मजबूती हो रही है, ऐसे में पाकिस्तानी कायर आतंकवादियों ने फिर से जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता के विरुद्ध एक साजिश की है। 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या, 31 मई को कुलगाम के गोपालपोरा में आतंकियों ने हिंदू टीचर की गोली मारकर हत्या की, 25 मई को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट आमिर भट्ट की गोली मारकर हत्या, 24 मई को आतंकियों ने पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या की, इस हमले में 7 साल की बच्ची जख्मी हुई, 17 मई को बारामूला में आतंकियों ने वाइन शॉप पर ग्रेनेड फेंका, इस हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई, हादसे में 3 लोग जख्मी हुए, 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बडगाम में गोली मारकर हत्या, आतंकियों ने उनके ऑफिस में घुसकर फायरिंग की, 9 मई को शोपियां में आतंकियों की फायरिंग में एक नागरिक की मौत, एक जवान समेत 2 घायल, 2 मार्च को आतंकियों ने कुलगाम के संदू में पंचायत के सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। टारगेटेड किलिंग्स करके कश्मीर के अंदर रह रहे कश्मीरी पंडित हिंदुओं या जम्मू के जो डोगरा हिंदू लोग वहां काम करते हैं, अथवा जो देश के अन्य अन्य भागों से लोग कश्मीर घाटी में काम करते हैं, कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान जो देशभक्त हैं, टीवी कलाकार,
उनको निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश रची गई है। घाटी में आतंकी लगातार हिंदू नागरिक और सरकारी कर्मचारियों को ही निशाना बना रहे हैं। बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी हुए। कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात किया जाए, लेकिन इसी बीच बैंक मैनेजर की हत्या से लोग दहशत में आ गए हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने पत्र जारी करके कहा कि कुलगाम में हमारे काडर ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एक बैंक कर्मी विजय कुमार की मौत हो गई। कश्मीर के डेमोग्राफिक बदलाव में जो भी शामिल होगा उसके साथ यही अंजाम होगा। आतंकी संगठन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स धमकी देते हुए आगे लिखता है, जो भी बाहरी लोग इस धोखे में रह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार उन्हें यहाँ स्थायी कर देगी, उनके लिए ये आंख खोलने वाला है। अब बाहरी लोगों को वास्तविकता समझ लेनी चाहिए कि उन्हें इसके लिए जान भी गंवानी पड़ेगी। सोचिए कहीं देर ना हो जाए और अगली बारी तुम्हारी हो। इस लेटर के सामने आने के बाद कश्मीरी हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग कश्मीरियत की बातें करते हैं वो खुलकर क्यों नहीं बोल। इलेक्शन जब तक होते जाएंगे ये लोग हम लोगों को तंग करते जाएंगे। और कुलगाम में एक लेडी टीचर को मारा गया है। अभी मार जाएंगे छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध में धरने पर बैठे। अम्बेडकर नगर में बस यात्रियों की जान से खिलवाड़, सड़क पर दौड़ रही 22 खटारा बस। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बरेली में डायल 112 पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर कब्जा। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में नकली पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में चोरों का आतंक जारी, एक घर से चोरों ने सोलर प्लेटें चोरी की। बाराबंकी में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, लड़की की गोली मारकर हत्या, दो घायल। बागपत में पड़ोसी के घर के बाहर धमाका करने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसियों को डराने के लिए किया बम का निर्माण। नोएडा में गुलावली गांव में अथॉरिटी का चला बुलडोजर, 25,000 वर्ग मीटर जमीन कराई कब्जा। फिरोजाबाद में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से की हत्या, पुलिस हत्यारे पति की तलाश में जुटी। मेरठ में शराब के ठेके पर दिन दहाड़े लूट, बदमाशों के करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर हुए हमले को एसपी खीरी ने बताया संदिग्ध, पुलिस पर हर पहलू से पुलिस जांच में जुटी। डीएम झांसी रविंद्र कुमार की बुक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंस द जर्नी, बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किया विमोचन। लखनऊ में फरियाद लेकर आई छात्रा को कुछ ही मिनटों में जिलाधिकारी ने दिए जॉब, पेश की अनोखी मिसाल। प्रयागराज में
खड़ी गाड़ी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। जौनपुर में आंधी से टेम्पो पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे यात्री, बड़ा हादसा होने से डरा। नोएडा के सेक्टर 150 में अवैध फार्म हाउस जमींदोज, करीब 17 करोड़ रुपए की जमीन कब्जा। कानपुर में बिल्डर्स और शराब माफिया के ठिकानों पर रेड, छापेमारी के लिए दिल्ली से पहुंची है टीम। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली, गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाशों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध अतिक्रमण हटाया गया, उतरोला करने में हुई कार्रवाई। आगरा में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध, दिल्ली गेट क्षेत्र में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढहाया। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर घराली और बाराती में हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई, उधार के 90,000 रुपए नहीं लौटाने पर पीटा। सरकार के 8 साल पूरा होने पर लखनऊ में बीजेपी का रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी ने कहा पीएम मोदी ने जो कहा करके दिखाया। सिंगर के परिवार से ममता बनर्जी ने मुलाकात कर जताया शोक, पुलिस कर रही मौत के मामले में तफ्तीश। अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, लंबे अरसे बाद हुई दोनों नेताओं में मुलाकात, तबीयत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। यूपी में एमएलसी चुनाव पर बीजेपी का मंथन, सीएम आवास पर कोर ग्रुप की बैठक जारी, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मीटिंग में शामिल। लखनऊ में कल लगेगा निवेश का महाकुंभ, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जुटेंगे उद्योग जगत के दिग्गज, सीएम योगी के साथ पीएम मोदी भी होंगे समारोह में शामिल। यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने की तारीफ, कहा 70 साल की गलतियों को सुधारा जा रहा है, अतीत के बगैर वर्तमान नहीं होता। फिल्म पृथ्वीराज पर गरमाई सियासत, मौलाना तौकीर रजा ने कहा इतिहास में औरंगजेब से बेहतर किरदार नहीं, अखिलेश ने कसा योगी सरकार पर तंज, कहा इतिहास के आटे से नहीं बनती वर्तमान की रोटी। प्रयागराज के प्राइवेट विमेंस हॉस्टल में महापाप का खुलासा, बाथरूम में हिडन कैमरे से लड़कियों के वीडियो का बनाता था आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कंप्यूटर और कई हार्ड डिस्क बरामद। कुशीनगर में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए टैंक में उतरे 3 लोगों की मौत, शवों को निकाला गया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, स्वागत है आपका खबर दमदार में। और इस वक्त सबसे पहले बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में वीडियो बनाने का गोरख धंधा चलता था, यहां हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाया गया था और छात्राओं के वीडियो बनाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक यहां हॉस्टल के बाथरूम के शावर में स्पाइक कैमरा लगाया गया था, जिसके जरिए छात्राओं के नहाते हुए वीडियो बनाए जा रहे थे। एक छात्रा को स्पाइक कैमरा का पता चल गया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल हॉस्टल संचालक आशीष खरे को गिरफ्तार कर लिया है। प्राइवेट हॉस्टल है ये, जहां पर वुमेन्स हॉस्टल, जहां पर कैमरे का इस्तेमाल होता था और महिलाओं का वीडियो बनाया जाता था, लड़कियों का वीडियो बनाया जाता था, गलत तरीके से न्यूड वीडियो बनाया जाता था और ये स्पाई कैमरा लगा था बाथरूम में। एक लड़की को इस बात की जानकारी लग गई, जिसके बाद खुलासा हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की है और गिरफ्तार कर लिया गया है हॉस्टल का संचालक आशीष खरे। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में मेयो हॉल के पास में एक मकान है 2 मंजिला, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे आशीष खरे नाम के व्यक्ति द्वारा एक गर्ल्स हॉस्टल खोला गया था,
जो कि वो कम किराए पे बच्चियों को किराए में वो कमरा देता था, और उसी के बाथरूम में एक शावर रहता, उस शावर में उसने एक खुफिया हिडन कैमरा लगाया हुआ था, और उसी हिडन कैमरे के थ्रू उसने उसको अटैच किया हुआ था अपने कंप्यूटर लैब में। कंप्यूटर लैब भी उसका एक था जिसमें वो बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाता था ऑपरेट करना। तो उस कंप्यूटर लैब में वो उसका सेटअप वो उसने ट्रांसफ़र किया हुआ था, और वहीं पे वो उनको सेव करता था उन वीडियोस को, और स्वयं देखा करता था, और संभावित है कि उनको ब्लैकमेल करने के लिए उसके द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा था, या इसका सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इनका विक्रय करने के लिए ये उसके द्वारा वीडियोस ये सेव किए जा रहे थे। सर, क्या कुछ बरामद हुआ उसके पास से? उस कलर लैब से, सॉरी, उस ये कंप्यूटर लैब से इन ये जो कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर सिस्टम बरामद हुआ है, और हार्ड डिस्क भी बरामद हुआ है, और डेफिनेटली वो जो वीडियोस इसने बनाए थे वो भी उसमें सेव्ड है, जो कि हम लोगों के द्वारा सीज कर दिया गया है, और अन्य भी तमाम आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो कि इसके कंप्यूटर लैब से बरामद हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में हुआ महापाप, और इस वक्त हमारे साथ सर्वेश, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सर्वेश, अब तक जो गिरफ्तारी हुई है हॉस्टल संचालक की हुई है, और क्या एक्शन हुआ है? कब से ये हॉस्टल चल रहा था? कितनी लड़कियां यहां पर रहती थी? देखिए, हॉस्टल पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, ये वाकई बात सही है कि धर्म नगरी है, संगम नगरी कही जाती है, और यहाँ पर जिस तरह से गर्ल हॉस्टल में यहाँ पर महापाप किया गया है, और स्पाई कैम लगाकर शावर में जिस तरह से लड़कियों के न्यूड वीडियो बनाए जा रहे थे, और उसका कनेक्शन सीधे तौर पर वाईफाई से हॉस्टल संचालक जो आशीष खरे है उसने जोड़ रखा था। इस मामले में जब शावर खराब हुआ तो एक लड़की ने शावर को ठीक करने की कोशिश की, जिसके बाद वो स्पाई कैम जो था वो गिर गया, और उसके बाद उसको पता लगा, और इस मामले में पुलिस से शिकायत हुई, और पुलिस ने मामले को गंभीरता को देखते हुए हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, और उसके बाद वहां पर वो लैब में गई, एक लैब भी, कंप्यूटर लैब भी हॉस्टल संचालक आशीष खरे का था, जहां पर कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। कंप्यूटर को अपने पुलिस ने जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क को जब्त किया है, और यह भी अब पता लगाया जा रहा है कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्टल संचालक इसका क्या यूज करना चाहता था, क्या वो लड़कियों को ब्लैकमेल करना चाहता था, या फिर किसी सोशल साइट पर ये इसको बेचना चाहता था, क्या उसकी मंशा थी, इन तमाम सवालों के जवाब अब जो है पुलिस तलाश रही है। और क्या इस नेटवर्क से बहुत ही ये शर्मनाक है जो प्रयागराज में हुआ है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कुछ पता चल पाया है क्या किसी लड़की को इसने ब्लैकमेल भी किया है अभी तक? क्या इस्तेमाल इन वीडियोस का वो करता था? देखिए, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है, ना तो किसी लड़की ने इस तरह की बात बताई है कि उसको ब्लैकमेल किया गया था। एक्चुअली ये छुट्टियों के बाद, अभी हॉस्टल शुरू हुए थे कोविड के बाद, तो हो सकता है 3-4 महीने का मामला ये हो जब यहाँ पर बच्चे रहने आए हैं, उसके पहले तमाम लड़कियां नहीं रहती रही होंगी, कोविड के दौरान सब अपने घर चली गई थी। तो अभी फिलहाल किसी ने ब्लैकमेल करने की शिकायत नहीं की है, अभी तो सिर्फ स्पाई कैम यहाँ पर मिला हुआ है, जिसके आधार पर एक लड़की ने शिकायत की, और उसके बाद जब यहाँ पर पुलिस ने छापेमारी की तो स्पाई कैम भी बरामद हुआ, और उससे अटैच जो कंप्यूटर लैब था वो बरामद हुआ, और तमाम कंप्यूटर में ऐसे वीडियोस मिले हैं, अन्य आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, और इसके साथ ही साथ जो हार्ड डिस्क थी कंप्यूटर को, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, उसकी जांच की जा रही है, और जो हॉस्टल संचालक आशीष खरे था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह हॉस्टल रजिस्टर था, वो हॉस्टल कब से चलाता था, इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं, और उसमें कितनी लड़कियां रहती थी, क्या क्या उनकी जानकारी है, और इससे जुड़े हुए और भी कौन लोग हो सकते हैं। पुलिस इस मामले में भी जानकारी जुटा रही है। अभी तक की जांच में क्या क्या बातें सामने आई है? हार्ड डिस्क पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, एक लैब का पता चला है जहां पर बकायदा वो सभी वीडियोस को देखा करता था, हार्ड डिस्क में स्टोर करके रख रहा था, और क्या जानकारी मिली है? इस हॉस्टल में कुल कितने कमरे, क्या सभी कमरों के सभी वॉशरूम में इस तरह से हिडन कैमरे का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, इस मामले में जो सीओ चतुर्थ हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर मौके पर जाकर उन्होंने पुलिस टीम के साथ छानबीन की है, वहां पर जितने भी हार्ड डिस्क थे उनको कब्जे में लिया गया है, 3-4 कंप्यूटर लिए गए हैं, और अभी जो पता चला है वो एक वॉशरूम में अभी कैमरा मिला है, और जगह पर नहीं मिला, लेकिन पूछताछ जारी है, यह हो सकता है कि और भी वॉशरूम में इस तरह से लगाए हों, लेकिन पुलिस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है, और आज ही चूंकि गिरफ्तारी हुई है और आज ही ये मामला संज्ञान में आया है, तो पुलिस अभी लगातार इसमें जो है छानबीन कर रही है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो गए हम भी दर्शकों को बताएंगे कि क्या इसमें है, लेकिन फिलहाल ये अपने आप में एक बड़ा मामला है कि इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में
स्पाई कैम लगाकर शावर में लड़कियों बिल्कुल सर्वेश और इस तरह की वारदात अक्सर हमने देखा था मेट्रो सिटीज में इस तरह की वारदात तो सामने आती थी लेकिन अब प्रयागराज जैसे धर्म नगरी में भी ये महापाप हो रहा है और वहां पर गिरफ्तार तो फिलहाल कर लिया गया है ये शख्स और एक कैमरे को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है लेकिन अब क्या इसका वर्जन भी सामने आया है जो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है होटल संचालक क्या उसने कोई बात कही है अपना जुर्म उसने कबूल किया है या फिर अपनी सफाई कुछ उसने रखी है देखिए हॉस्टल संचालक के बारे में सीओ ने जो पूछताछ की उसके बाद उन्होंने बताया है कि हॉस्टल संचालक जो है वो लड़कियों को थोड़ा कम पैसे में हॉस्टल देता था तमाम लड़कियां झांसे में आ जाती थी और उम्मीद यही है कि वो इस तरह से उनके वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता लेकिन उसके पहले ही उसका भंडा फोड़ हो गया और एक शावर में पानी ना आने की वजह से लड़की ने शावर को ठीक करने की कोशिश की और वो स्पाई कैम नीचे गिर गया जिसके बाद लड़की को इस बात का पता लगा और वो स्पाई कैम लेकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा है और जो हॉस्टल संचालक है उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है क्योंकि तमाम जो तो पुलिस के सामने फिलहाल इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है एक लड़की और उस लड़की की कह सकते हैं कि जिस तरह से उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया थाने पहुंची जैसे स्पाई कैमरे के बारे में उसकी जानकारी मिली और उस स्पाई कैमरे को लेकर वो पहुंच गई थाने और उसके बाद ये पूरा मामला सामने आ गया। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इधर फिल्म पृथ्वीराज चौहान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। बरेली आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का एक और विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इतिहास में औरंगजेब से बेहतर कोई किरदार ही नहीं है। उन्होंने अक्षय कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्षय कुमार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। ज्यादा इन फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है और औरंगजेब मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी, इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। मैं कहता हूं जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है वो हमें बताइए। सबसे ज्यादा वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अक्षय कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि अक्षय को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अक्षय के चाहने वाले हर दल में मौजूद हैं और इसलिए उन्हें किसी एक पार्टी की विचारधारा से दूर रहना चाहिए। अक्षय कुमार जी एक अच्छे अभिनेता हैं, देश ही नहीं दुनिया में भी उनके प्रशंसक हैं। हाँ, पिछले कुछ समय से वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब हैं। वो पूछते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, आजकल वो पूछते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। तो हम अक्षय कुमार जी से कह देना चाहते हैं कि आपकी गलती है अगर आपने महान पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास नहीं पढ़ा है तो आप फिर से पढ़िए, लेकिन कम से कम राजनीति मत कीजिए क्योंकि भाजपा ही नहीं हर दल में आपको चाहने वाले लोग हैं। राजनीति आपको शोभा नहीं देती। तो सियासत यहीं पर नहीं रुकती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि फिल्मों में सही इतिहास नहीं दिखाया जाता। देखिए, देश में शायद एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनी है जो सचमुच इतिहास के ऊपर आधारित हो, चाहे वो मुगल आजम हो, चाहे ये पृथ्वीराज चौहान की हो, चाहे कश्मीर फाइल हो। पैसा कमाने के लिए फिल्में बनाई जाती हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी फिल्मों के जरिए नया इतिहास बना रही है। वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि इतिहास के जरिए सच को सामने लाया जाना चाहिए। हर राजा ने इतिहास को अपनी तरह से परिभाषित किया है लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं बताई है। आप हिंदू राजाओं की हिस्ट्री देखिए, उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ा है, कितनी मूर्तियों को लूटा है, हीरे जवाहरात को लूटा है, और वो जब दूसरे राजा के साथ लड़ाई लड़ते थे तो अपनी फतह को मुकम्मल उस वक्त समझते थे जब उनके मंदिरों को लूट लेते थे, उनके हीरे जवाहरात लूट लेते थे, तब मुकम्मल समझते थे। ऐसे ही मुस्लिम राजाओं ने अगर किसी मंदिर को हानि पहुंचाई है तो उनका उद्देश्य धर्म नहीं था, उनका सीधा सीधा मकसद ये था अपने सामने वाले आदमी को पराजित करना।
और इन्हीं विवादों के बीच यूपी में फिल्म पृथ्वीराज टैक्स फ्री हो गई है। लखनऊ के लोकभवन में फिल्म देखने के दौरान सीएम योगी ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। आपको बता दें, लोकभवन के ऑडिटोरियम में फिल्म पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी, जहां सीएम योगी और सरकार के मंत्रियों ने फिल्म देखी। इस मौके पर फिल्म के हीरो अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी मौजूद थे। अक्षय कुमार जी ने और उनकी पूरी टीम ने समय समय पे किया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यहां पर हमारे बीच में आएगी उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश ने इसको हम टैक्स फ्री करने के लिए उत्तराखंड कर सकते हैं। कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। यह बहुत आवश्यक है और सम्राट पृथ्वीराज के नाम से आई हुई फिल्म को जो आज हम लोगों ने अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन हम लोगों को देखने का मौका मिला है। मैं इसके अभिनेता अक्षय कुमार जी, इसके निर्माता निर्देशक चंद्रप्रकाश जी और इनके अभिनेत्री और इनके समस्त कलाकारों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बार बार अभी सच देखने को मिलेगा जिसे छिपाए जाने की कोशिश की जाती है। जी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने तारीफ की। एक एक एक्टर उसको यही चाहिए होता है कि जब कोई फिल्म बनाते हैं तो कोई तारीफ करे तो उसका मन भरा। फिल्म में टैक्स फ्री कर दिया गया, 2014 के बाद एक वातावरण चेंज हुआ है हमारे देश में, खासतौर से हिंदू धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, उसको किस तरीके से क्या वो टैक्स फ्री का फिल्म बना पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि 2014 के बाद एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग प्रारंभ हुआ है और इसको हम लोग पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसे हम हिंदू संस्कृति भी कह सकते हैं। मुझे इसमें कोई कहने से परहेज नहीं है और जब मैं ये कहता हूँ कि संस्कृति की बातें यानी भारत की वो गौरव की कहानियाँ जो अब तक नहीं कही गई हैं वो अधिक से अधिक फिल्मकार कहें, ऐसी आशा मुझे लगता है कि बन रही है। कहना यही चाहेंगे कि देखिए हमने योगी जी को ये फिल्म अच्छी लगी, उन्होंने ये बात बोली, हम खुद हैरान थे, हमें तो पता भी नहीं था इसके बारे में कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। हर छह महीने में कुछ ना कुछ बदलता रहता है क्योंकि ऑडियंस का टेस्ट है वो बदलता रहता है, तो हमें भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ता। और यूपी सरकार के मंत्रियों के पृथ्वीराज फिल्म देखने को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। इन्हीं खबरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी, संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी को सम्मान। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग, अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज।
सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चार धाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का दो दिवसीय नव संकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगी शिफ्ट करने में लग रहा भारी जैम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, दो डकैत चढ़े पुलिस के हाथे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम का संचालन जारी, जिला प्रशासन ने किया सील, आगे की कार्रवाई जारी। बस्ती में दो बदमाशों ने कार में सवार 3 लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, 1 की हालत गंभीर। मेरठ में दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 6 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध में धरने पर बैठे। अंबेडकर नगर में बस यात्रियों की जान से खिलवाड़, सड़क पर दौड़ रही 22 खटारा बस। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बरेली में डायल 112 पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में नकली पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। यूपी में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कल राजधानी लखनऊ में तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा भी लिया। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी में 80,000 करोड़ रुपए निवेश आने की संभावना है और इससे करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यूपी के विकास में ये मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया था। तो जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी और रोड की कनेक्टिविटी और पानी चाहिए, नदियां हैं हमारे पास, जमीन है हमारे पास, अच्छा कंज्यूमर मार्केट है हमारे पास, तो आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बन के उभरा है। और मुझे खुशी है कि देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। हमारे जो घरेलू
सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग है, इनमें भी बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ बड़ी संख्या में वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। और लखनऊ में सीएम आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले डिनर पार्टी दी गई है, जिसमें मंत्रियों और बड़े नेताओं के अलावा कई उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है। सीएम आवास पर डिनर के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज डिनर पार्टी है, कल तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की शुरुआत होनी है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर डिनर पार्टी, जिसमें सभी मंत्री होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे और साथ ही बड़े बड़े उद्योगपति भी होंगे। उधर उन्नाव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नवाबगंज सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ने यहां मरीजों और उनके तीमारदारों से बातचीत की, साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां मौजूद रजिस्टर चेक किया और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का भी हाल जाना। नवाबगंज सीएचसी में वाटर कूलर खराब होने पर सीएमओ को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि कब से आए हो, सीएमओ कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण के दौरान मिली जो कमियां हैं उन पर रिपोर्ट तलब की है। जनपद में पहले नवाबगंज सीएससी का निरीक्षण किया, फिर जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। पूरी व्यवस्था को हमने बिंदुवार देखा है। सफाई समुचित रूप से जो नहीं मिली उसके लिए हमने निर्देश दिए हैं कि उसकी तत्काल सुव्यवस्थित ढंग से सफाई रखी जाए, जाला और गंदगी धूल हटाई जाए और जो हमारे उपकरण हैं उनको भी ठीक ढंग से रखरखाव किया जाए। और जो इनकी दिक्कतें हैं उनको भी हमने सुना है, मरीजों से भी बात की है और कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अस्पताल परिसर में पूरे प्रदेश में हमारे जो मरीज हैं उनकी भगवान मान करके सेवा करेंगे। उनको सभी को जो हमारी सरकारी स्तर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको सबको दवाइयाँ अस्पताल काउंटर से मिले, किसी को कोई दिक्कत न हो। इधर नोएडा में जेल से छूटे हत्यारोपी के स्टंट का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी निजाम उल खान को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में निजाम उल खान रेसिंग बाइक पर खड़े होकर एक लड़की के साथ स्टंट करता दिख रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। निजाम उल खान अपनी गर्लफ्रेंड के भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड में एक और आईएएस अधिकारी पर लगा बड़ा दाग। अपर सचिव कृषि रामविलास यादव पर विजिलेंस ने किया केस दर्ज। सीएम धामी ने कई विभागों की समीक्षा की, कहा चार धाम यात्रियों को ना हो कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए निर्देश। देहरादून में कांग्रेस का दो दिवसीय नव संकल्प शिविर, सभी बड़े और सीनियर नेता रहे मौजूद। सरोवर नगरी पर भारी पड़ रहा प्रशासन का आदेश, पीक सीजन में चुंगे शिफ्ट करने में लग रहा भारी जैम, बच्चों के साथ बुजुर्ग हो रहे परेशान। संभल में राज्य महिला आयोग की सदस्य राखी त्यागी का औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर कर्मचारियों को चेताया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किलोमीटर परिधि में शराब बियर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले। नोएडा में सेक्टर 45 में खाली मैदान में रखे प्लास्टिक के सैकड़ों पाइप जलकर खाक, अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए रखे गए थे पाइप। लखनऊ में 30 साल के सुधीर की हत्या का खुलासा, छोटा भाई निकला हत्यारा, जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या। बिजनौर गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाश पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 10 लाख रुपए अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, दो डकैत चढ़े पुलिस के हत्थे, बदमाश के पास एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। रायबरेली में 6 क्विंटल गांजा बरामद, ओडिशा से पंजाब तस्करी कर ले जा रहे थे बदमाश। बुलंदशहर में पुलिस ने गांजा तस्करों पर कसा शिकंजा, कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद। बुलंदशहर में बिना रजिस्ट्रेशन के नर्सिंग होम का संचालन जारी, जिला प्रशासन ने किया सील, आगे की कार्रवाई जारी।
बस्ती में दो बदमाशों ने कार में सवार तीन लोगों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। फायरिंग में दो लोगों को लगी गोली, एक की हालत गंभीर। मेरठ में दूध व्यापारी की गोली मारकर हत्या, परिजनों की तहरीर के आधार पर केस दर्ज। बुलंदशहर में 6 साल के बच्चे के अपहरण का 12 घंटे में खुलासा, बच्चे के पिता के दोस्त ने रची थी साजिश। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल, पुलिस युवक की पहचान कर तलाश में जुटी। लखीमपुर खीरी में 32 किसानों में खुशी की लहर दौड़ी, भूमाफिया के कब्जे से वापस मिली जमीन। बागपत में किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, विद्युत मीटर के विरोध में धरने पर बैठे। अम्बेडकर नगर में बस यात्रियों की जान से खिलवाड़, सड़क पर दौड़ रही 22 खटारा बस। प्रतापगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुलिस से शिकायत करने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बरेली में डायल 112 पर रिस्पांस देने में यूपी पुलिस सबसे आगे, लगातार 8वीं बार यूपी में पहले नंबर पर कब्जा। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, फैक्ट्री से 14 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। उन्नाव में महिलाओं ने समझौता कराने के दौरान सिपाहियों से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। जौनपुर में नकली पेंट बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। संभल में गंगा घाट पर हुई प्रसाद विक्रेता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्यारोपी साधु गिरफ्तार। अयोध्या में अध्यापिका की दिन दहाड़े चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। बांदा में एक लड़की की गुंडाई का वीडियो वायरल, आधे घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसों को लेकर हुआ विवाद। कासगंज में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने दो असलाह तस्करों को किया गिरफ्तार। ललितपुर में चोरों का आतंक जारी, एक घर से चोरों ने सोलर प्लेटें चोरी की। बाराबंकी में खेत में पेड़ काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, लड़की की गोली मारकर हत्या, दो घायल। बागपत में पड़ोसी के घर के बाहर धमाका करने वाला युवक गिरफ्तार, पड़ोसियों को डराने के लिए किया बम का निर्माण। नोएडा में गुलावली गांव, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक, एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। चंपावत उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से, होने वाली काउंटिंग के लिए तैयारी पूरी। नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने चौराहे पर काफिला रुकवा कर लिया गोलगप्पों का स्वाद। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर हल्द्वानी में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम, सीएम धामी ने कहा पिछले 8 साल में बही विकास की नदियां, उत्तराखंड में आया ऐतिहासिक बदलाव। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर पर ओम पर्वत दर्शन को गई महिला का वापस आने से इनकार, दो बार बढ़ चुका है इनर लाइन परमिट, सीमा के करीब होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। केदारनाथ में लाइन में खड़े होने की मुसीबत का हुआ पक्का इलाज, अब यात्रियों को मिलेगा रिस्ट बैंड, दर्शन का समय होगा तय, लाइन्स का झंझट खत्म। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक, एसी कूलर चाहिए तो वैल्यू प्लस आइए। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। सीएम धामी चंपावत सीट से उपचुनाव में खड़े हुए थे और अब कल सीएम की सीट पर फैसला आने वाला है। चंपावत उपचुनाव का नतीजा कल आएगा, सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद है। गोरलचौड़ में हो रही काउंटिंग को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, सुबह 8 बजे से 12 टेबल्स पर 13 राउंड की काउंटिंग होगी। नतीजों से पहले खटीमा पहुंचे सीएम धामी ने बड़ी जीत का दावा किया है। सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं सर, कल परिणाम आने वाला है, कुछ चंद घंटे बचे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, अच्छा परिणाम आएगा और सभी चंपावत वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मतदान में बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और उपचुनाव में जब हमेशा आम चुनाव से मतदान कम होता है, लेकिन इस बार आम चुनाव से ज़्यादा मतदान हुआ है।
सर अगर बात करें कि उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा होंगी उसके बाद पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है तो नहीं करेंगे, हमको माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद है, गोलजू की भूमि है वो, हमारा गोरखनाथ की भूमि है, हिंगला देवी है, रणकोची मैया हैं, माँ बाराही हैं, बाबा बयान धुरा हैं, टिप्टेश्वर महादेव हैं, घटोत्कच की भूमि है, उस भूमि पर काम करने का अवसर मिला, काम करेंगे। चंपावत को भारत के मानचित्र में एक आदर्श रूप में आए, एक नया वहाँ पर सर्किट बने, नया एक जो है मॉडल बने, उस दिशा में काम करेंगे। कल चंपावत? हाँ मैं कल जाऊँगा। ऐसे हम उसके हम ही कल चंपावत जाएंगे और उसके बाद जो भी परिणाम होगा उसके एक दौरा उनका यहाँ से चंपावत से लेके खटी टनकपुर बनबसा के बीच में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में उनके साथ जनसभा में या फिर रोड शो में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 चंपावत। चंपावत के नतीजों से पहले सीएम धामी खटीमा पहुंची और यहां खटीमा चौराहे पर अपने काफिले को रुकवाकर गोलगप्पे का स्वाद लिया। सीएम धामी ने अपने साथ अन्य लोगों को गोलगप्पे खिलाए। सीएम धामी अपने खटीमा दौरे पर अक्सर ही स्थानीय दुकानों पर रुक जाते हैं। पिछले खटीमा दौरे पर सीएम ने भुट्टा खाया था और इस बार गोलगप्पे का स्वाद लिया। सीएम धामी कल चंपावत जाएंगे जहाँ उनकी सीट पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी ने अचानक से अपना काफिला रुकवाया और पहुंच गए गोलगप्पे का स्वाद लेने के लिए। साथ ही साथ उनके काफिले में मौजूद लोगों ने भी गोलगप्पे खाए। अक्सर ही सीएम धामी इसी तरह से छोटी छोटी दुकानों पर रुक जाते हैं। पिछली बार भी खटीमा जब गए थे तो उन्होंने वहां पर भुट्टे का आनंद लिया था और इस बार स्थानीय दुकान पर रुके और गोलगप्पे खाए। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाया और कहा कि पिछले 8 साल से विकास की बयार बह रही है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम रूट पर केदारनाथ में जो काम हुआ वो अद्भुत है और राज्य में कई परियोजनाएं केंद्र की ओर से हैं जिनसे आने वाले साल में उत्तराखंड के ही होंगे। सीएम धामी ने साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने ना सिर्फ विकास के काम किए बल्कि ऐसे गैर जरूरी कानून भी खत्म किए जो कि जनता के लिए फायदेमंद नहीं थे। पुराने नियमों को छोड़ेंगे, जैसे देश के अंदर आज 1500 से भी ज़्यादा नियम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हटा दिए गए, पुराने वाले जो काम के नहीं थे या जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था, उस दिशा में हम भी तेजी से काम करेंगे। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है। पृथ्वीराज फिल्म कल रिलीज हो रही है और सीएम धामी का कहना है कि सम्राट पृथ्वीराज के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोग सम्राट पृथ्वीराज को जाने और सीखें, इसलिए उत्तराखंड में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। आपको बता दें कि फिल्म को चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है और अक्षय कुमार इसमें सम्राट पृथ्वीराज की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री किया जा चुका है। पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जो फिल्म है, क्योंकि वो फिल्म सभी को देखनी चाहिए और उस पर पृथ्वीराज चौहान वीर शिरोमणि थे, उनका अपने जीवन पर आधारित है, नए आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे कैसे कैसे छत्रप होते थे, कैसे कैसे वीर शिरोमणि होते थे, तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि उत्तराखंड में हम इसको टैक्स फ्री करेंगे। 14 जून से देहरादून में होने जा रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष अब राजनीति गरमाने के मूड में है। मुद्दा गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में सत्र ना होने का है और विपक्ष इसी मुद्दे पर बजट सत्र में विरोध की तैयारी में है। साल 2020 के मार्च में गैरसैंण में आखिरी सत्र हुआ, तब 20 सत्र में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हुआ और फिर कोविड की वजह से अब तक गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हो सका है। वहीं इस बार का बजट सत्र भी गर्मियों की राजधानी गैरसैंण की बजाय 14 जून से देहरादून में होने जा रहा है और इसी मुद्दे पर विपक्षी कांग्रेस सियासत गरमाने के मूड में है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि विपक्ष को विधानसभा के अपमान पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है बजट सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं चारधाम यात्रा के साथ गैरसैंण में पूरी तैयारी नहीं हो सकती, इसलिए
फैसले को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सही बता रहे हैं। अपमान है, विधानसभा का प्रस्ताव है कि बजट सत्र अब जो है हेंसफोर्थ जो है, मतलब जब प्रस्ताव किया गया उसके बाद से हमेशा बजट सत्र गैरसैंण में होगा। तो आप गैरसैंण में बजट सत्र न करके यदि देहरादून में बजट सत्र कर रहे हैं तो आप विधानसभा के प्रस्ताव का अवमूल्यन कर रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं, और ये विधानसभा की अवहेलना है। और इसके लिए मैं समझता हूँ पार्टी के हमारे जो विधायक दल है उसको लाना चाहिए मानहानि का, और निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीधे निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, टफ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है हमारे मंत्री द्वारा वो बड़ा उचित निर्णय है, और निश्चित रूप में आने वाले समय में हम सत्र करेंगे। पर इस समय यात्रियों को देखते हुए और सारी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है, जो मैं समझता हूँ बहुत उचित है। सरकार की अपनी मजबूरी है तो विपक्ष के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का मौका, और यही वजह है कि इस बार गर्मी के मौसम में देहरादून में होने जा रहे बजट सत्र में गर्मियों की राजधानी गैरसैंण पर माहौल गर्मा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। पिथौरागढ़ में चाइन बॉर्डर स्थित ओम पर्वत देखने गए यूपी निवासी हरप्रीत कौर ने घर लौटने से मना कर दिया। हरप्रीत 23 अप्रैल को अपनी मां हरविंदर कौर के साथ ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी, जिसके बाद हरप्रीत के इनर लाइन पास की अवधि को 24 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी हरप्रीत ने लौटने से इनकार कर दिया। आखिरकार हरप्रीत की मां ने धारचूला प्रशासन से गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने महिला पुलिस के साथ मेडिकल टीम को नाभि ढांग भेजने का निर्णय लिया है। बताया ये जा रहा है कि हरप्रीत शिव की धरती को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही। ये इलाका चीन और नेपाल के एकदम करीब होने के कारण सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है।